क्या आप भी अपने फोन में एआई वीडियोस बनाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में आप इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने फोन से एआई वीडियोस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली आप लोग को अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आके आप लोग को सर्च करना है एलेक्सा का। देखिए आप एलेक्सा का यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो आप लोग को फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है एंड नाउ इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा फोटोज मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा एआई करेक्टर मिल जाएगा एंड आपको ये स्पेशल कैरेक्टर को चाहते हैं डाउनलोड करना तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग को बहुत सारा अलग अलग कैरेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले कोई एक फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। देखिए हम यहाँ से फोटो को डाउनलोड कर लिए एंड फोटो को डाउनलोड करने के बाद फिर अब आप लोग को यहाँ पे आके सर्च करना है हेज़ HEYGEN। आप इसको जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिलता है, एक फर्स्ट में मिल जाता है एंड आप लोग को सेकंड में एक हेजन लिखा हुआ मिलता है जिस पे कि ट्रायंगल बना रहता है। तो सिंपली आप लोग यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग का कुछ टाइम लोडिंग लेगा एंड यहाँ पे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को अपने फोन को डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर देना है। देखिए यहाँ से सिंपली आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन एक बोलता है गूगल से साइन इन करने के लिए या फिर फेसबुक वगैरह से लॉगिन करने के लिए। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप अपने कोई न्यू जीमेल अकाउंट को क्रिएट करके एंड यहाँ पे आप साइन अप करें। देखिए हम सिंपली यहाँ से साइन अप ये गूगल अकाउंट जो बोलता है नीचे, तो गूगल अकाउंट पर मैं आपको गूगल पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से जो भी आप लोग मेल से बनाना चाहते हो उस मेल को चूज कर लेना है। और मेल को चूज करने के बाद यहाँ पे बोलता है कन्फर्म करने के लिए, तो फिर यहाँ से आप लोगों को कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से आप जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों को बोलता है कुछ टाइम वेट करने को, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे 5 सेकंड बोलेगा और 5 सेकंड आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है एंड यहाँ से आप लोगों को बोलेगा गेट स्टार्टेड, तो फिर यहाँ से आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आप जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा 2 से 3, तो आप लोग को कोई भी ऑप्शन को चूज कर लेना है एंड चूज करने के बाद यहाँ से आप लोग को सबमिट कर देना है। देखिए हम सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस हो गया और स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बताता है, तो सिंपली आप लोगों को ये ऑप्शन को कट कर देना है। देखिए यहाँ से इस ऑप्शन को कट कर दिए एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को बोलता है व्हाट योर अवतार, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से हटा देना। अब देखिए यहाँ से आप लोग को आगे करना क्या है। यहाँ आप लोग को ऊपर में जो ऑप्शन मिलता है एक बगल में आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है फोटो अवतार, तो सिंपली आप लोग यहाँ से फोटो अवतार पर क्लिक करना है एंड यहाँ आप लोग को एक ऑप्शन बोलता है कि अवतार को चूज करने के लिए एंड यहाँ अपने गैलरी से कोई फोटो को अपलोड करना चाहते हैं जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ये भी आप लोग को ऑप्शन बोलता है। तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो भी फोटोज को चूज करना चाहते हैं उस फोटोज को यहाँ से चूज कर लेना है एंड चूज करने के बाद यहाँ पे आप लोग को वेट करना है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो सिंपली आप लोग को वेट करना है। देखिए यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं एंड वेट करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक जो कैरेक्टर को हमने चूज़ किया है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं। देखिए वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो कैरेक्टर था यहाँ पर ऐड हो गया। अब सिंपली आपको यहाँ से कैरेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को एडिट अवतार पे चले जाना है। देखिए आप एडिट अवतार पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप जो AI वीडियोस बनाना चाहते हैं शॉर्ट वीडियोज़ के लिए बनाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग वीडियोज़ के लिए बनाना चाहते हैं, आप कौन फ्रेम रखना चाहते हैं, टोटल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप सर्कल में रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग को एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ से तो हम लॉन्ग वीडियोस के लिए चूज़ कर ले रहे हैं एंड इतना करने के बाद आप लोग को ऊपर में ऑप्शन मिलता है सेव का, तो सिंपली आप लोग को इसको सेव कर लेना है। देखिए हम सेव पे क्लिक कर दिए और फिर इतना करने के बाद अब आप लोग को करना है यहाँ पर वेट। देखिए यहाँ पे आप जैसे वेट करेंगे तो यहाँ आप लोग का ये कैरेक्टर आ गया एंड यहाँ पे आप लोग को नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है अवतार का नीचे वॉइस का, यहाँ पे आप लोग को अलग अलग वॉइस मिल जाता है, तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। फिर यहाँ से आपसे पूछता है कि आप अपने वीडियोज़ को शॉर्ट वीडियोज़ बनाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रेम को चूज़ कर देना है और फ्रेम को चूज़ करने के बाद आप जो भी टेक्स्ट इस कैरेक्टर जो कैरेक्टर आप क्या ये बोले उसको आप लोग को नीचे टेक्स्ट पर फिल कर देना है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना। देखिए जैसे कि हम यहाँ से इस स्क्रिप्ट को हम चाहते हैं मेरा कैरेक्टर बोले तो उस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे आपको जो भी चाहते हो कैरेक्टर बोले आपको यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। देखिए इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को ये यहाँ पे वॉइस रेडी हो जाएगा और आप यहाँ से वॉइस पे क्लिक करके वॉइस को सुन भी सकते हैं एंड इतना करने के बाद आप लोग को कर लेना है इसको सेव। ऊपर में आप लोग को सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप डेस्कटॉप मोड को ऑफ कर दीजिएगा तो आपको ऊपर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए हम इसको अभी यहाँ से कर ले रहे हैं सेव। यहाँ पर देखिए हमारा सेव होना स्टार्ट हो गया। अब सेव होने के बाद आपके फ़ोन में कैसे सेव होगा वो मैं आप लोग को आगे बता देता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा ये सेव कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हम यहाँ से वीडियो पे जैसे क्लिक करें तो वीडियो पे हमारा क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ प्ले का ऑप्शन शो होने लगा
एंड प्ले का ऑप्शन शो होने के बाद यहाँ आप लोग को बगल में एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने ये जो वीडियोस है इसको 720p या फिर 1080p आप जिस चीज़ में सेव करना चाहते हो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ से आप जितना भी सेव करना चाहते हो उसको चूज कर लेना है और नीचे का आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग बोलेगा डाउनलोड, तो यस आप लोग यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। देखिए आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो गया, कंप्लीट हो गया। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी एक एडिटिंग एप्लीकेशन इस वीडियो को सेंड कर देना है। देखिए हम यहाँ से वीडियो को इसमें सेंड कर दिया एप्लीकेशन में, और फिर यहाँ से जो ये छोटा साइज है इसको हम लॉन्ग कर देते हैं, मतलब इसको हम पूरा फ्रेम में सेट कर देते हैं। और फ्रेम में सेट करने के बाद देखिए यहाँ से हमारा वीडियो हो गया रेडी, एंड अब इसको हम यहाँ से प्ले कर दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सही अब लग रहा है। ये मैंने बस ये फोटो को डाउनलोड किया था, ये मेरा वीडियो क्रिएट हो गया। आप देखिए आपको ये कैसा वीडियो लगता है। Hello friends, today in this video we are talking about this topics, how to create AI videos. इसके बाद फिर आप लोग को अपने वीडियोस को सेव कर लेना है। वीडियोस को सेव करने के बाद आप जहां भी अपलोड करना चाहते हैं इसमें आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह काफी इजी वे में अपने एंड्रॉइड फोन से AI वीडियोस बना सकते हैं। तो हमारे वीडियोस लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में।